भी कहना चाह रहे हैं कि जैसे सरकार ने माना कि ठीक है मैंने निरस्त किया, निरस्त तो सर आपने भी देखा होगा कितना प्रयास आपने भी किया, लगभग 15 दिन से ज़्यादा आंदोलन चला इस बात को लेकर के, बड़ी पब्लिक, बड़े आप चाहे वो मीडिया रहे हों चाहे वो नेता रहे हों, सभी ने सहयोग करके उस आंदोलन को सफल किया। इस बात के लिए सर आपको भी धन्यवाद, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन सर आप ये बताइए, केंद्र में और सेंट्रल, सॉरी स्टेट और सेंट्रल दोनों में आपकी गवर्नमेंट है, आप कह रहे हैं कि मैंने सभी भूमाफियाओं को, सभी पेपर माफियाओं को, सभी प्रकार के इस तरीके के जो अराजक तत्व हैं उनको मैंने समाप्त करने का काम किया है, तो फिर सारे के सारे पेपर लीक कैसे हो पा रहे हैं? आपकी जो शासन है, जो आपका शासन तंत्र, ये कैसे विफल हो पा रहा है कि आप एक पेपर नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं, अपने ही स्टेट में कंडक्ट करवा पा रहे हैं? आप कह रहे हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है, आप पेपर तक नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं निष्पक्ष रूप से। अच्छा एक बात बताओ, ये अब जैसे चुनाव पे मैं आ जाऊं तो चुनाव में ये सब मुद्दा काम करता है? सर युवाओं के लिए तो प्राथमिक मुद्दा ही सर यही है सर, जो रामलला 370 हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, रामलला चौधरी कहाँ गए? जात से मेरा नाम संजय शुक्ला और जात से मैं ब्राह्मण हूँ और प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का मैं भक्त भी हूँ, वो मेरे आराध्य हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कि किसी के आराध्य का फ़ायदा उठा करके उस चुनाव माहौल में उसका बेनिफिट ले लिया जाए या किसी को हिंदू के नाम पर मात रोट ले लिया जाए, ऐसा क्या हुआ सर? पिछले करीबन 10 सालों से आपने देखा कि 2014 में सर बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और 2017 में स्टेट में भी गवर्नमेंट आ गई। आप बताइए कि अभी तक ये मुद्दा लगातार चलता ही रहा है कि राम मंदिर को लेकर के, ठीक है मैंने आपको 10 साल का टाइम पीरियड दिया, आपने बहुत सारे वादे किए थे, युवाओं के लिए भी 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी और गरीबों को जो है गरीबी से मुक्त करने की बात कही गई थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी, मेरे पिताजी भी किसान हैं। 500 पाते हैं कि नहीं महीना? अरे सर 500, अच्छा मान लीजिए आपकी बात में मान ले रहा हूँ कि 500 पाते हैं। कोई सरकार दी थी कभी? सर उसका सुन तो लीजिए बेनिफिट सर। सर उस समय जो डीएपी और यूरिया होती थी वो 50-100 किलो की आती थी, केजी की आती थी, आज उसको 45 कर दिया है। उस समय मुझे याद है बचपन में यूरिया की कीमत लगभग 300 के आसपास हुआ करती थी और डीएपी की 600-650 हुआ करती थी, आज यूरिया की कीमत लगभग 500 या 550 के आसपास है, डीएपी 1300-1400-1500 तक। कितना दिन में जी? कितना दिन में सर? इन्हीं की सरकार के जस्ट बाद ऐसा हुआ है सर, धीरे धीरे चीजें हुई है, 14 में इनकी गवर्नमेंट आई है। आप ये कह रहे हो, हम बहुत लोगों से बात कहते थे, कहते हैं विकास होगा तो महंगाई नहीं होगी, महंगाई है तो कमाई भी है। एनएसएसओ के आंकड़े आप देख लीजिए कि महंगाई की दर कितनी बढ़ी है और बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ी है। सर मैं उन्हीं की सरकारी आंकड़े की बात कर रहा हूँ, अभी हमारे पास वो आंकड़ा नहीं है, नहीं सर हम आपको दिखाते अगर तैयारी के साथ होते तो। मैं उन्हीं से बात करना चाह रहा हूँ कि अगर देश की आबादी भी तो बढ़ रही सर, देश की इकोनॉमी भी तो बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं हम आकर के डिस्टर्ब कर दिए, ये सब पढ़ाई कर रहे थे उठ के आके यहाँ सुनने लगे। नहीं सर ये बात भी जरूरी है, लोगों तक पहुँचनी चाहिए। देखो भाई हम तो छात्रों की बात करते हैं। अब जैसे सर मैं 2019 में सर मेरा पहला इलेक्शन था, मैं एलिजिबल हुआ वोट डालने के लिए, तो सर वैसे तो मैं रायबली में रह करके तैयारी कर रहा हूँ, मेरा जो मूल जनपद है वो अमेठी है, तो मैंने अमेठी से स्मृति ईरानी जी को वोट किया था। और तुम हो राहुल गांधी को हरवावे में रहे हो जी? पहली बार सर राज अब खुला है जी, बिल्कुल ऐसा नहीं कि मतलब हम विरोधी हैं, जो चीज़ें उस समय लगी बेटर कि मैं ये करूँगी, वादे किए गए थे, लोगों को बताया गया था, विश्वास दिलाया गया था, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी रहे हों चाहे वो स्मृति ईरानी जी रही हों, ये विश्वास दिलाया गया था कि हम युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे हम। लेकिन सर बीते 5 सालों में सर सारी चीज़ें दिखी और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपने भी सर्वे किया होगा अमेठी रायबरेली में, आप आए हैं तो बिल्कुल सर्वे किया होगा, चीज़ें कुछ भी नहीं बदली, बल्कि ये मैं उस गलती को स्वीकार कर रहा हूँ कि मैंने 2019 में गलती की कि मैंने कमल के बटन को वोट किया, ये गलती अब दोबारा नहीं होगी मेरे जीवन में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके इस चैनल पर। अब मैं सर बीजेपी को वोट नहीं करूंगा जब तक कि उनकी ये नकारात्मक निगेटिविटी लोगों को बेरोजगार बनाने में, लोगों की आर्थिक समस्याओं को और ज्यादा बढ़ाने में ये लोग विश्वास करते हैं। ऐसा बता रहे कि इसके पहले की सारी सरकारें सारे घरों में सरकारी नौकरी दे रही थी, आप देखिए प्रधानमंत्री और सब लोग क्या कहते हैं जी, उसका उत्तर भी देना चाहेंगे सर। ये बात तो सही है कि प्रत्येक घर के परिवार को सरकारी नौकरी दी नहीं जा सकती, बिल्कुल, लेकिन सर कितने सारे विभाग हैं जिन्होंने इनको प्राइवेट कर दिया है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। जैसे मान लो अगर आबादी बढ़ रही है, पुलिस की कांस्टेबल की नौकरी हर दूसरे तीसरे साल आया करती थी, 5 साल बाद आई है सर, और आबादी बढ़ने के साथ पुलिस विभाग में भी भर्तियां बढ़नी चाहिए और कम होकर के आ रही है। एक तिहाई देखो तर्क दोनों तरफ से, लोग कहते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है इसकी एक तिहाई जनसंख्या यूएस की है
और अगर हमारी जनसंख्या उतनी रहती जी, तो हम कितने लोगों को रोजगार दे पाते और सारी चीजें हो पाती। मूल बात यह है कि देश तेजी से तरक्की के रास्ते पर एकदम डंका बज रहा है कि नहीं, ये बता दो। मान सर ये बात मैं नहीं मानता सर। किस बात की डंका, क्या बात कर रहे हैं सर? रायबरेली में बैठे हो तब ना आप विदेश के वालों सर, विदेश भी देखते हैं, हम भी न्यूज देखते हैं सर। आप किस राजनीतिक या विश्व गुरु बनने की डंका की बात कर रहे हैं सर? उस पे आप प्रश्न पूछे उसका उत्तर में देना। बाहर वाले बताते नहीं है? नहीं सर, बाहर क्या, आप पूछिए उसका प्रश्न पूछे, हम उसके प्रश्न का उत्तर, मूल प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। मूल प्रश्न तो ये बीजेपी की तो हवा है ना कि मैं विश्व गुरु बन गया हूँ, पूरे विश्व में मेरी क्रेज है, कहने से थोड़ी ना होता है, वो तो उनके द्वारा फैलाया गया। आपसे बहुत लंबी वार्तालाप हुई और आपका क्या, अरे बाद में पढ़ लेना यार, तुम तो ऐसा बगल ही में तुम्हारे प्रवचन वो दे रहा है, तुम लगे हो पता नहीं कौन सर का देख रहे थे? करंट अफेयर्स देख रहे थे। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैंने बीएड किया हुआ है और सर मैं टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। बीएड वाले को तो प्राइमरी में नमस्ते कर दिया। नमस्ते कर दिया सर, उसी का सर परिणाम सर भुगत रहे हैं हम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना? हाँ सर, लेकिन डिसीजन तो सर 2018 जब हम, मैंने 2021 में बीएड में एडमिशन लिया और उसके पहले भी लोग बीएड में प्राइमरी भी तो तर्क है, वो कहते थे कि बीटीसी वालों का हक मार रहे हैं बीएड वाले, जब बीटीसी वाले प्राइमरी के लिए स्पेशली ट्रेंड है तो फिर बीएड वाले इसमें क्यों, ये तर्क दिया था ना सर? तर्क तो ये दिया, लेकिन 2000 जब ये गवर्नमेंट ने जो बीएड को क्यों अलाउ किया, अरे इनको भी बोल, 2023 में जब ये तो तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, 2023 में जब ये डिसीजन आया उसके पहले से लोग जो बीएड में है वो भी तो प्राइमरी में नौकरी कर रहे हैं सर, उनको तो कोई हटाने की प्रक्रिया नहीं चल रही है। अच्छा, आपके समझ से 4th week April 24 करंट अफेयर्स, आपकी समझ से देश में जो ये चुनाव हो रहा है इसमें युवाओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र बेरोजगारी महंगाई या सबका साथ सबका विकास? सर हर चीज का एक संतुलन होना चाहिए, देश के रक्षा सुरक्षा की भी बात होनी चाहिए, तो युवा जो बेरोजगार हैं, जो पढ़ लिख के पीएचडी और अन्य डिग्रियां हासिल करके भी बेरोजगार हैं, उनके लिए भी सर देश सरकार को सोचना चाहिए कि नौकरियों के अवसर प्रदान करें। नौकरियां 5 साल 6 साल में आ रही हैं सर, उम्र सबकी निकल जाती है तैयारी करते करते। आप ये नहीं मानते पेपर होते हैं तो फिर वो पेपर लीक हो जाते हैं, ये समस्या बहुत बड़ी है। देखिए सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती, हाँ सर, ये तो हम, लेकिन जो काबिल है, जो काबिल है उनको जरूर मिलनी चाहिए सर। अवसर प्रदान करने का काम तो सरकार का है और बाकी मेहनत करके नौकरी में। तो इस चुनाव में युवाओं के मुद्दे क्या है? सर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार देखने को मिल रहा है वो यही है कि युवा जो पढ़े लिखे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं वो, उनके लिए नौकरी के अवसर बिल्कुल भी नहीं है सर। राहुल गांधी का क्या होगा रायबरेली? अब सर राहुल गांधी के बारे में क्या कहें, आप देख सकते हैं और यहाँ की जनता से पूछ सकते हैं, पिछले 5 साल में माननीय जो सांसद महोदय हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी कितनी बार यहाँ पे रायबरेली में आई हैं? एक बार भी नहीं सर। नहीं, हमारे राज में तो एक भी बार नहीं आई भी पिछले 5 साल में, और वो बस एक अपना भावुक जो एक पत्र होता है वो अपना भेज देती हैं बस जब चुनाव आने वाले होते हैं तब। परिवार